हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस चैप्टर रोडेस्टिन रोडान्स थ्योरी ऑफ बिग पुश। रोडेस्टिन रोडान का प्रबल प्रयास का सिद्धांत। इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन है, प्रबल प्रयास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? प्रोफेसर रोडान के द्वारा प्रबल प्रयास का सिद्धांत दिया गया था। प्रोफेसर रोडान के अनुसार अविकसित देशों में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि इन देशों में धीरे धीरे विकास की नीति को नहीं अपनाया जाना चाहिए बल्कि प्रबल प्रयास से विकास को सीर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में विकास की बाधाओं को पार करने एवं उसे प्रगति के पथ पर लाने के लिए प्रबल प्रयास की आवश्यकता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? प्रोफेसर रोडान के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। उन्होंने कहा है कि निश्चित न्यूनतम परंतु उच्च मात्रा के विनियोग के रूप में विकास किया जाना चाहिए, विकास तेजी से होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रबल प्रयास के सिद्धांत को किन किन नामों से पुकारा जाता है? प्रबल प्रयास के सिद्धांत को बड़ी छलांग, बड़ी उड़ान और बड़े धक्के की अवस्था के नाम से भी पुकारा जाता है। ये भी संज्ञा इस सिद्धांत को दी गई है। बड़ी छलांग का मतलब है कि कार्य को तेजी से लंबी छलांग लगा के जैसे करना चाहिए। कोई भी क्षेत्र, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, बैंकिंग क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो, सड़क विकास का क्षेत्र हो, इन कार्यों को तेजी से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल प्रयास के सिद्धांत का समर्थन किन किन अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया है? प्रोफेसर मेयर और बॉल्डविन के द्वारा भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। उन्होंने भी बताया है कि किसी भी कार्य को करने के लिए शीघ्र से शीघ्र उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे नहीं, स्फूर्ति की तेजी से उस कार्य को करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े धक्के के सिद्धांत किन किन बाह्य मितव्यताओं पर आधारित है? बड़े धक्के का सिद्धांत तीन बाह्य मितव्यताओं पर आधारित है, मांग की अविभाज्यता, उत्पादन फलन की अविभाज्यता और बचत की पूर्ति में अविभाज्यता। अल्पविकसित देशों में जो होती है मांग की जो अविभाज्यता क्या है, इसका मतलब है कि अल्पविकसित देशों में बाजार का आकार बहुत छोटा होता है और छोटे आकार की वजह से ही वहाँ लोग निवेश भी कम कर पाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कम करते हैं और उनकी प्रेरणा भी कम होती है, बचत भी लोगों की कम होती है। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए जरूरी है कि निवेश उन उद्योगों में किया जाना चाहिए जो जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट, उत्पादन फलन की अविभाज्यता। उत्पादन फलन की अविभाज्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सामाजिक ऊपरी पूंजी को का विकास किया जाना चाहिए। सामाजिक ऊपरी पूंजी किसको कहते हैं? शिक्षा है, शक्ति है, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, इन मदों पर तेजी से विकास किया जाना चाहिए, इन पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी किसी भी कंट्री का विकास तेजी से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है, वस्तुओं की पूर्ति में अविभाज्यता। अल्पविकसित देशों में लोगों के अंदर बचत करने की प्रेरणा कम होती है क्योंकि लोगों की आय ही कम होती है, जब आय कम होती है तो बचत का स्तर भी कम होता है। इसलिए जरूरी है कि ऐसे उद्योग धंधों में निवेश किया जाना चाहिए जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों की इनकम बढ़ सके और वे फिर बचत भी कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक सामाजिक विकास अर्थव्यवस्था के विकास की सर्वोत्तम विधि है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? प्रोफेसर रोडान के द्वारा यह कथन दिया गया है। प्रोफेसर रोडान का कहना है कि सामाजिक विकास तेजी से होना चाहिए। जब लोगों का सामाजिक विकास होगा तभी उस कंट्री का विकास हो पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि इन क्षेत्रों का विकास तेजी से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पविकसित देशों को बड़ा सोचने की सलाह देना तो अच्छा है किंतु बड़ा करने की बात करना मुक्ता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? प्रोफेसर हिगिंस के द्वारा यह कथन दिया गया है। उन्होंने कहा कि अल्पविकसित देशों को बड़ा सोचने की सलाह देना, वे सोच तो सकते हैं लेकिन बड़ा करने की बात करना मुक्ता है। उनके पास इतने साधन नहीं होते, इतनी फैसिलिटीज नहीं होती, टेक्नोलॉजी नहीं होती कि वे किसी काम को कर सके, बड़े कार्य को कर सके। इसलिए जरूरी है कि उनको ये सब चीजें मुहैया कराया जाए, जो जरूरत का समय उनको दिया जाए तभी वो अपना विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग पुश सिद्धांत के अनुसार छोटे छोटे विकास के कार्यक्रम एक बड़े विकास का रूप नहीं ले सकते। यह कथन सही है या गलत है? यह कथन बिल्कुल सही है क्योंकि छोटे छोटे विकास के कार्यक्रम में एक बड़े विकास का रूप नहीं ले सकते। तेजी से विकास करना चाहिए, बड़े बड़े कार्य को करना चाहिए, तभी कंट्री का विकास और विकसित कंट्री आगे जा सकती है। नेक्स्ट, बिग पुश सिद्धांत की ऐतिहासिक प्रामाणिकता से बड़े धक्के के सिद्धांत की पुष्टि होती है या नहीं होती? इससे बड़े धक्के के सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती। जो उन्होंने कहा है कि हमारे जो प्रोफेसर रोडान ने कहा है कि जो
प्रयास है वो तेजी से होने चाहिए, वो बात तो सही, जल लेकिन प्रयास तेजी से तभी कोई कंट्री कर सकता है जब उसके पास प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में हो, टेक्नोलॉजी हो और पूंजी का उसके पास संसाधन पूंजी हो। जब इनके पास ये चीजें नहीं होंगी तो विकास कैसे कर सकते हैं, उनको तो किसी न किसी की सहायता की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है, प्रबल प्रयास का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है। प्रबल प्रयास का सिद्धांत वह बचतों की धारणा पर आधारित है। पहले बताया कि यहाँ इस कंट्री के लोगों की आय ही कम होती है, जब इनकम ही कम होगी तो कहाँ से वे बचत कर पाएंगे, उनके पास तो अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए ही आय होती है। तो इससे जरूरी है कि इन कंट्रीज में निवेश बड़े पैमाने पे किया जाना चाहिए, और तभी जब निवेश होगा तभी लोग रोजगार की प्राप्ति होगी, और जब रोजगार की प्राप्ति होगी तब लोगों को आय की प्राप्ति होगी और उसके बाद वो अपनी बचत कर पाएंगे। नेक्स्ट है, रोडान के अनुसार बचत एवं निवेश की वृद्धि के लिए क्या जरूरी होता है। प्रोफेसर रोडान के अनुसार किसी भी कंट्री में बचत और निवेश की वृद्धि के लिए मांग में वृद्धि होनी चाहिए, और मांग में वृद्धि तभी होगी जब लोगों की आय में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, प्रोफेसर रोडान के अनुसार निवेश में बड़े धक्के के आधार पर ही अर्थव्यवस्था को क्या किया जा सकता है। प्रोफेसर रोडान के अनुसार निवेश में बड़े धक्के के आधार पर, जब इन्वेस्टमेंट में तेजी से विकास किया जाएगा, जब इन्वेस्टमेंट तेजी से होगा अर्थव्यवस्था में, तो वहां पे जो स्थिर शक्तियां हैं उसके चंगुल से उस कंट्री को मुक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि स्थिर शक्तियों से मतलब है निम्न आय का होना, निम्न बचत का होना और पूंजी का साधनों का अभाव होना। इन शक्तियों के चंगुल से तभी मुक्त हो सकती है कोई भी कंट्री जब उस कंट्री में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य को किया जाए। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन ही कंप्लीट होते हैं।